मॉर्निंग, आज संडे है और आज जो है मैं आदरा पर्व मनाने वाली हूँ। ये हमारे बिहार में मनाया जाता है। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर पता है कि आज के दिन जो है खीर, दाल वाली पूरी, आलू की सब्जी और आम, इसको खाया जाता है। और ये मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, मम्मी सब तो बनाती ही थी और जब से शादी हुई है तब से मैं भी बनाती हूँ। सेकेंडली इसको जो है मतलब जैसे अभी 22 जून को स्टार्ट हुआ था ये जो नक्षत्र होता है और 6 जुलाई तक है, तो इसी बीच में ये बनाना होता है तो शुभ माना जाता है। कहते हैं कि मतलब अभी मानसून के आने का टाइम है और बारिश मतलब इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हम लोग के गांव में भी मतलब ये खीर और आम जो है भगवान जी को चढ़ाया जाता है और सब के घर में इसी नक्षत्र में 15 दिन के अराउंड में सबके यहाँ ये खीर पूरी आम ये सब्जी ये बनती है। तो मेरा तो ऑलरेडी बहुत दिन मिस हो गया, तो मैंने कहा आज 4 तारीख है तो आज बना लेते हैं, क्योंकि 6 तारीख तक ही आदरा पर्व है। और सेकेंडली ये शायद किसान से रिलेटेड है कि जैसे अभी मानसून आ रही होती है तो खेत में नई फसल लगते हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं कि अगर मानसून अच्छी आए तो अच्छा खेती बाड़ी होगा, कुछ इसी टाइप से है। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता है तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, बट हाँ ये खाने का जो है ये ज़रूर बना रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत काफ़ी दिन के बाद मैं पूरी सब्जी बना रही हूँ, मतलब पूरी सब्जी खीर इस तरीके से। तो बस आज का मैं छोटा सा ब्लॉग शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा। ये मैं खीर बना रही हूँ। एक्चुअली मैं गांव में जो है खीर और आम पहले ही चढ़ा दिया गया था, तो मैं इस यहाँ पे नहीं चढ़ाती हूँ भगवान जी के पास, क्योंकि मेरे से ये चीज़ मेंटेन नहीं होगा कि का मतलब साफ़ सुथरा से बनाना का बिना नमक छुआए, मतलब बहुत सारा चीज़ होता है और ब्राह्मण कन्या खिलाना, तो वो सब गाँव में माँ जी कर दी। तो उन्होंने फिर फ़ोन करके बोल दिया कि आज हम लोगों ने अर्दरा मना लिया, तुम लोग जो है इसी नक्षत्र में मतलब 22 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में कभी बना रख के खा लेना। बहुत ही ज़्यादा झटर पटर काम हो गया, क्योंकि इनको आधे घंटे में निकलना है और फटाफट मुझे काम करना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाई। पहले खाना दे देती हूँ, क्योंकि आधा घंटा 40 मिनट में निकलेंगे, तो जो जितनी जल्दी हो सकता है मैं कर रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। इनको ऑफिस से कॉल आ गया कि इनको फटाफट निकलना है, मतलब एक घंटे के अंदर निकलना है, तो जब तक ये नहा धो रहे हैं तब तक मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। सोच रही हूँ कि इधर खा के ही जाए, आने में फिर 3-4 बज जाएंगे तब खाने में कोई मज़ा नहीं आएगा, तो फिर अभी जल्दी भी करती हूँ। बाय। तो देखिए फटाफट जो मेरी आलू टमाटर की सब्जी भी जो है वो भी बन गई है और इधर खीर भी बन गई, और ये पूरी जो है वो छना हुआ नहीं खाते हैं, फिर भी मैंने एक दे दिया क्योंकि आज त्यौहार है तो आप खाइए। और उनके लिए फिर आगे मैंने वही दाल की पूरी नहीं पराठा सेक दिया बिना तेल के, मतलब रोटी मतलब बस दाल भर करके और उसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डाला और ऐसे ही दे दिया। और पापा को खिलाने में मेरी मदद की मेरी बिटिया रानी ने, मैं फटाफट बनाते जा रही थी और माँ ही जो है पापा को परोसते जा रही थी। दिखाती हूँ आगे। पापा को रोटी दाल चाहिए? अच्छा रुको अभी दे रही हूँ, पापा को दे आना, ठीक है? हाँ। ओके। पानी चाहिए, रोटी दाल। बाप रे इतने फिकर पापा के। हाँ बेटा मैंगो दू एक ठो काट के, अभी दीछिए कंटा खाना चाहिए दू। हाँ मैंगो खाना है, चलो ला के देते, फ्रिज से निकालो। तो हो गया अब संपन्न। खाली पता है मम्मा आलू चाहिए। क्या नाम क्या चाहिए मम्मा को? हाँ मुझे आलू चाहिए और प्याज भी परवल भी। मेरी आदत है जब भी ऑफिस आने लगते हैं तो मैं बोल देती हूँ आलू लेते आइएगा, परवल लेते आइएगा, सब्जी लेते आइएगा, तो माई को पता है मम्मा क्या बोलती है पापा को, तो पहले ही बता दी।
फाइनली ये खाना खा करके गए। बहुत जल्दबाजी मुझे सारा काम करना पड़ा, 10:30 बजे से मतलब मैंने स्टार्ट ही किया था और अभी 11:30 हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट की मुझे मतलब 1 घंटा में सब कुछ बनाना पड़ा और खिलाना पड़ा। अब जा रही हूँ, जितना उनको पराठा बना के दे दी दाल वाला और एक ही पूरी खाए, अब आगे का बना लेती हूँ। अब थोड़ा मन से ये चले जाते हैं, उसके बाद ही मतलब लगता है चलो अब काम जो है स्थिर से होगा, स्थिर से। तो ये चले गए, अब जा रही हूँ आगे का पूरी। बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी तो फटाफट मैंने सत्तू अपने लिए बना लिया। हाँ, ये गांव से आया हुआ सत्तू है। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले चाचा जी आए थे और माँ जी गाँव से बहुत सारा सामान भेजी थी। अगर होगा तो मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी भी, मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था उसका, तो वो दिखाऊंगी। और ये सत्तू भी गांव का है और बहुत टेस्टी लगता है। तो तब तक जो है हम लोग आज का स्पेशल दाल पूरी की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने दाल को 1/2 घंटा पहले ही धो करके फूलने के लिए छोड़ दिया था। इसको आप चाहें तो कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं या डोंगे में भी बॉईल कर सकते हैं, बट कुकर में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरे से दाल जो है गीले हो जाते हैं और उसके बाद उसका पराठा बनाने में बहुत दिक्कत आती है। मैंने डोंगा में ही पानी नमक हल्दी डाल करके उसको 5 से 10 मिनट तक बॉईल कर लिया। और देखिए जब ये अंदर से पक जाए तब उसको जो हम अच्छे से छान लेंगे और एक थाली में जो है थोड़ी देर के लिए हम इसको हवा लगने के लिए छोड़ देंगे। जब तक दाल ठंडी हो रही है तब तक हम उसका मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च तीनों को लेकर के कूट लिया। एक्चुअली मैं इसका जो फ्लेवर है मुझे बहुत पसंद है, मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को, तो मैं ये फ्लेवर जरूर डालती हूँ। और उसके बाद जो है हम आटा का डो बना लेते हैं। उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल करके, थोड़ा सा नमक डाल करके और जैसे नॉर्मल पूरी पराठा का हम लोग डो बनाते हैं वैसा ही डो तैयार कर लेंगे। और इधर देखिए दाल भी जो है वो जो है सूख चुकी है, तो फटाफट इसको जो है हम लोग मिक्सी में ग्राइंडर में चला लेंगे। वैसे आप चाहें तो हाथ से भी इसको जो है मसल सकते हैं, बट मैंने मिक्सी में ही चला लिया, ज़्यादा कंफर्टेबल रहा मेरे लिए। और उसके बाद जो मैंने मसाला कूटा था उसको मिला दिया और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक कम ही डालना है क्योंकि हमने पहले भी डाला था तो इस बात को ख्याल रखना है। बस उसके बाद सबको जो है अच्छे से मैश कर देंगे। बस सारे मसालों को जो है बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। और गांव से जो सामान आया है मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी, तो जुड़े रहिएगा। और उसके बाद जैसे हम सिंपल पूरी पराठा बनाते हैं, एक कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल गर्म कर लिया और जैसे हम सत्तू पराठा या आलू पराठा का लोइया बनाते हैं उसी तरीके से लोइया बना करके और उसमें वो दाल जो है हम लोग फिल कर देंगे। और बस सिंपल तरीके से हमें बेल लेना है, बेलने में बिल्कुल नहीं फटेगी, थोड़ा कम भरना है, उतना ज़्यादा नहीं भरना, तो अच्छे से बेला जाएगा और बस पूरी तैयार। तो इस तरीके से जो है मेरे सारे खाने बन के रेडी हैं, ये पूरी सब्जी खीर और आम आदरा स्पेशल। अब बस मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, बच्चों को खिला करके ये तो चले ही गए हैं। तो ये आम जो है ये भी गांव से चाचा जी लेकर के आए थे, इसमें से आधा से ज़्यादा जो है मैं छोटी मम्मी के यहाँ, छोटे चाचा जी के यहाँ भेज दूँगी क्योंकि इतना सारा आम कौन खाएगा। और ये कुम्हरौड़ी है, ये बहुत टेस्टी लगता है आलू के साथ इसकी सब्ज़ी, मतलब ये मेरा फेवरेट है। और माँ जी जितना टेस्टी बनाती है मुझे लगता है असली स्वाद ना उन्हीं के हाथों से आता है। और मैं कहती हूँ गाँव का हल्दी मैं यूज़ करती हूँ तो गाँव से हल्दी आई है। और ये मिक्स वाला मसाला है, ये भी हाथ का बना हुआ है, मतलब भून के माँ जी बनाती है तो उन्होंने भेजा है। इधर सत्तू दो डब्बा है, एक मिक्स वाला और एक प्योर चना का। और ये छोटे आलू हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसका दम भी बनाने दम आलू दम जो होता है वो भी टेस्टी लगता है। हरी मिर्च जो है वो बारीक है और आलू छोटे आलू का भुजिया वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये सारा कुछ माँ जी ने भेजा है। ये गोभी का सुखोता, मतलब पता नहीं मुझे इन सब चीज़ों से बड़ा लगाव है, मैं आलू के साथ बना बना के खाते रहती हूँ, तो ये सब उन्होंने भेजा है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और आप लोग भी दाल पूरी खीर सब्जी आम बिल्कुल बना के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। थैंक यू।